हमको जो ऑलरेडी यहाँ पर विटनेस करने को मिल चुका है। एपिक्स की अगर बात करी जाए पूरी तरीके से यहाँ पर देखिए जो है प्रिपेयर रहने वाले वैली यहाँ पर जो है बिल्कुल होल्ड करते नजर आएंगे। बट एज ऑफ नाउ एक नहीं दो दो प्लेयर्स इस समय टेक डाउन और टीम मैप एक बार फिर से टीम मैट्रिक्स स्पोर्ट्स यहाँ पर जो है काफी ज्यादा बैकफुट में। बट लियो फटाफट से यहाँ पर जो रिवाइवल की प्रक्रिया चालू करना चाहते हैं, लेकिन इनके सामने एक ऐसी टीम जो कि पूरी तरीके से इनफॉर्म है इस समय टीम A1 के प्लेयर्स एक एक करके सब वेट करते हुए देखिए यहाँ पर नजर आ जाने वाले। बट B4 रॉन की अगर बात करी जाएगी तो बिल्कुल फिनिशेस पे यहाँ पर जो फिनिशेस है वो जरूर सिक्योर करना चाहेंगे। बट मैप के यहाँ पर B4 रॉन पूरी तरीके से यहाँ पर प्रिपेयर्ड, लेकिन सामने स्केच यहाँ पर करेंगे फाइनली स्पॉट आउट, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के जो शॉट से नहीं लिए गए। लेकिन इस बार यहाँ पर जो रॉन का बचना नामुमकिन हो जाएगा, नॉक और सीधा फिनिश अपने नाम जो है करते नजर आएंगे। और टीम A1 एक बार फिर से धीमे धीमे करके जो है कदम बढ़ा रही है और टीम मैपटेक्स स्पोर्ट्स को पूरी तरीके से सडनली बैकफुट में ढकेल दिया है। जो बैकफुट पर प्रॉपर यहाँ पे धकेला जा रहा है, मैपटेक्स के लियो यहाँ पे देखने मुझे वॉल यहाँ पे रहने वाले हैं एंड हब क्लोजिंग करा जा रहा है धीरे धीरे करके। एंड देखिए मैपटेक्स से प्लेयर्स स्टार्टिंग काफी लाजवाब हुई थी, 4 फिनिशर्स मिले थे, बस दो ही प्लेयर्स हमें बचे हैं। एंड जिस तरह से A1 e-sports यहाँ पे चेस कर रही है, जैसे यहाँ पे I8 का मतलब जरूर लिया जाएगा। बट ये जैसे जैसे यहाँ पे रहने वाले हैं टाउन निकालेंगे एंड लियो भी यहाँ पे कम्प्लीटली फिनिश अप हो जाएंगे। वॉल इज द लास्ट ईयर रिमेनिंग एंड एक क्लच की दरखास्त इनकी टीम साइड से जरूर रहने वाली है। वेट करा जाएगा एक अच्छे मौके का, एफपी मोड पे स्विच जरूर करा है, वापस ऊपर आएंगे, इतने को डाउन जरूर निकाल सकते थे बट कंफर्म नहीं कर पाएंगे। एंड थ्रू A1 e-sports मैप चेक्स भी हो जाएगी गेम से बाहर।